अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 13 तरीके चीनी के रेट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या चीनी के रेट्स चल रहे हैं। और दोस्तों चीनी की कीमतों में एक बार फिर कमी हुई है, तो आप जैसे ही वीडियो देखेंगे या आप रेट मुलाहजा करेंगे तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में रेट में कमी हुई है या नहीं। दोस्तों कुछ शुगर मिल्स ऐसी हैं जिनके रेट्स में कुछ कमी वाक़ हुई है और कुछ ऐसी शुगर मिल्स हैं जिनके रेट जूं के तू कम है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। और कुछ शुगर मिल्स के चीनी के रेट्स में इजाफा भी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, 5 से 10 रुपये का, और कमी जो हुई है लगभग 30 से 40, 50 से 60 रुपये तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों इस साल शुगर यानी चीनी के रेट्स और गन्ने के रेट्स भी चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, क्योंकि कभी कम हो रहा है और कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी मुस्तहकम रहा है, तो इसी तरह खेल चल रहा है इस साल शुगर मिल्स वालों का। तो दोस्तों आप बात करते हैं चीनी के रेट्स की कि किस शुगर मिल्स का क्या रेट है। तो सबसे पहले आदम शुगर मिल्स, इसका रेट 7,870, JD का 7,755, यूनाइटेड का 7,755, AKT का 7,755, इतिहाद का 7,775, हमजा का 7,800, RYK का 7,825, सांगर का 7,900, पारकर का 7,850, चश्मा का 7,915, चश्मा 2 का 7,910, इंडस का 7,875, मीरान का 7,860, अलमोइज का 8,000, चनार का 8,000, फातिमा का 7,925, खैरपुर का 7,875, अब्दुल्ला का 7,860, डहरकी का 7,770, शेखू का 7,890, हाजरा का 7,850, गोटकी का 7,770, नाउडेरा का 7,790, रानीपुर का 7,820, सवेरा का 8,000, बांदी का 7,930, अलायंस का 7,825, दीवान का 7,900, बहलोल का 7,930, अरबिया का 7,950, ताहिर का 7,900, शाहताज का 8,100, टंडू का 7,900, पतोकी का 8,000, अलाबास का 7,970, हुसैन का 8,100, JK का 7,900, किरण का 7,840। तो दोस्तों ये थी वीडियो और अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो और अपडेट बेहद पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।